Crystal skies, crowded places. Assalamu alaikum everyone, how are you all? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी. थंबनेल पे जो मैंने ब्राइट की पिक्चर लगाई है उसी मेकअप को मैं कॉपी करूँगी, कॉपी करने की पूरी कोशिश करूँगी. अब आप लोग बताएंगे कि कैसा लुक मैंने अचीव किया है. सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्टार्ट लिया है अपनी आईब्रोज से. आईब्रोज को मैं आउटलाइन कर रही हूँ फोकलेयर की क्रीम ब्रॉ क्रीम से. सो यहाँ पर आप देख सकते होंगे जस्ट मैं आउटलाइन करूँगी. फिल इन करने के लिए मैं रिवाज यूके की आईब्रो पेंसिल लूँगी इन द शेड ब्राउन और ब्राउन से मैं आईब्रोज को फिल करूँगी. बनाने के बाद यहाँ पर मैं स्पूली ब्रश की हेल्प से आईब्रो को ब्रश कर रही हूँ. आफ्टर दिस आई एम अप्लाइंग एलेगर प्रो कंसीलर इन द शेड पोर्सलिन और इससे मैं अपनी आईब्रोज को नीट लुक दूंगी. सो आईब्रोज़ को नीट करने के बाद सेम एलेगर प्रो कंसीलर इन द शेड पोर्सलिन मैं अपने आईलेट एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ. आईलेट एरिया पर मैं फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करूँगी और फिर मैं इसको स्मॉल ब्यूटी स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से जो कंसीलर है वो आईज़ में ब्लेंड हो जाए और क्रीसिंग ना क्रिएट करे. सो आप देख सकते होंगे जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ. सो यहाँ पर मैंने अंडर द आई कंसीलर अप्लाई किया है और इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी. इसको ब्लेंड करने के बाद मैं आईलिड एरिया पर एक वाइट पाउडर आई शेडो अप्लाई करूँगी. बिल्कुल वाइट पाउडर आई शेडो मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी आई बेस जो है मतलब आईलिड बेस और आईब्रो बेस जो है मुझे एक सिल्वरिश मतलब वाइट शिमर शेड में चाहिए. जो आई लुक मैं कॉपी कर रही हूँ उसमें जो आईज़ पे पूरी बेस बनी हुई है वो वाइट शिमर शेड की बनी हुई है. अगर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा. और वैसे भी काशिज जो हैं वो पहले आईज़ पे बेस बनाते हैं गोल्डन या सिल्वर डिपेंड ऑन द ड्रेस ऑफ द ब्राइड. सो यहाँ पर मैंने एक से दो ड्रॉप जॉनसन्स बेबी ऑयल लिया है और उसको मैं एज अ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे. आप देख सकते होंगे कि मैं टैप टैप मोशन में मसाज करके अप्लाई कर रही हूँ. और अब मैं क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक इन द शेड F1 आइवरी अप्लाई कर रही हूँ. आप देख सकते होंगे इसको इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इसको अच्छी तरह से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी. अच्छा, इट डिपेंड्स कि क्रेलॉन टीवी स्टेन की स्टिक की फुल कवरेज होती है. सो इफ़ यू नीड अ कंसीलर तो आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जहाँ फील हुई कंसीलर की ज़रूरत तो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है. वैसे भी ब्राइड की जो होती है वो हैवी बेस होती है तो उस पर आप कंसीलर अंडर द आई और जहाँ आपको फील हो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पर पूरी बेस को कंप्लीट करने के बाद अब मैं क्रेलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द शेड TL3 अपने पूरे फेस पे लाइक थोड़ा भर भर के अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरी बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सके. बिकॉज ब्राइड्स की जो बेस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होना ज़रूरी होती है क्योंकि कई घंटों तक उनको एक स्टेचू बने बैठना होता है. सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ब्राइडल बेस अप्लाई की है और अंडर द आई मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर दिया है ताकि आई शेड्स का फॉल आउट हो तो मेरी बेस ख़राब ना हो. अच्छा, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक डार्क ब्राउन शेड एक स्मॉल पेंसिल ब्रश पे लेकर अपने आउटर वी पे टैपिंग मोशन में अप्लाई किया है और अब मैं उसको एक थोड़े से फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख सकते होंगे जस्ट मैं कॉर्नर ऑफ द वी को ब्रश कॉर्नर ऑफ द वी पे ब्रश रख के शेड को ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंडिंग जब तक मुझे अपनी मर्ज़ी का शेड वहाँ ना मिल जाए तब तक मैं उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करती रहूँगी. अगर मुझे शेड की थोड़ी और भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अप्लाई करूँगी उसे. उसके बाद अच्छा, ब्राउन शेड को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं जाऊँगी ब्लैक शेड की तरफ
ब्लैक शेड भी मैं सेम इसी तरह अप्लाई करूँगी जिस तरह से मैंने ब्राउन अप्लाई किया है। पहले मैं शेड को टैप मतलब प्लेस करूँगी ब्लैक शेड को, फिर उसके बाद मैं उसको इस तरह राउंड राउंड ब्लेंड करूँगी और थोड़ा सा मैं ड्रैग भी करूँगी क्रीज लाइन की तरफ, क्योंकि जिस ब्राइट का लुक मैं कॉपी कर रही हूँ जिस तरह उसके लाइक आउटर वी उसकी बनी हुई है, तो मैं भी उसी तरह का बिल्कुल आई शेडो क्रिएट करूँगी। सो यहाँ पर मैंने वाइट शिमर शेड अगेन पिक किया है अपने फिंगर की हेल्प से, उसे मैं अपने लिड एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक स्पार्क आ सके वाइट का, जिस तरह से काशीज़ की ब्राइड में होता है। अब यहाँ पर मैं क्रीज लाइन पर यहाँ पर मैं कट क्रीज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एले गर्ल का सेम कंसीलर लिया है और उससे मैं कट क्रीज अप्लाई करूँगी, हाफ कट क्रीज में करूँगी, और कट क्रीज करने के बाद आप देखते जाएं वीडियो में जो होगा। यहाँ पे मैंने फोकल एयर की पार्टी टाइम आई शेडो पैलेट ली है और उसमें से ग्रीन और ये ब्लू शेड मुझे अपने डिज़ायर्ड लुक लाइक जो मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की है उस पे उससे मिलता जुलता लग रहा है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन का शिमर शेड ये वेट स्पंज की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि शिमर शेड वेट स्पंज से बहुत अच्छा अप्लाई हो रहा था। और जो सेकंड शेड था वो भी मैंने इसी तरह वेट स्पंज से ग्रीन के ऊपर अप्लाई किया। इट इज़ नॉट अ ग्रीन लाइक, बहुत ही क्रीमी सा ग्रीन कलर है ये, और उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है ब्लूइश शिमर शेड। सो ये कलर, ये दोनों कलर को जब आप वन बाय वन अप्लाई कर रहे थे तो ये काशीज़ की पिक्चर जैसा बिल्कुल लुक क्रिएट कर रहा था। सो मैंने इसलिए ये दो कलर पिक किए हैं और ये मैंने अपनी आईज़ पे अप्लाई कर लिए हैं आईलिड एरिया पर। सो यहाँ पर अब मैं बिक्यूट की वाइट आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पर, और यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एसेंस का। ये करने के बाद तकरीबन मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद हाँ, कैलाजोने की आई शेडो पैलेट से मैं ये एक पिंक कलर पिक करती हूँ और उसको अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि काशीज़ की जो ब्राइट थी उसके मुझे फ़ील हो रहा था कि यहाँ पे पिंक शेड नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आईलैशेस अप्लाई कर ली हैं और कॉन्टोरिंग मैंने कर ली है क्रिस्टीन की कॉन्टोर पैलेट से। काशीज़ की ब्राइट पे इतनी ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं होती, लेकिन मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉन्टोरिंग की एंड ब्रॉन्जिंग की, तो मैंने थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की है अपने फेस की। और उसके बाद मैंने ब्लश अप्लाई किया है सूफियाश लेगा, और वीडियो बहुत तेज़ भाग रही है। और यहाँ पर मैंने फोकल एयर का हाईलाइटर अप्लाई किया है, ग्लो हाईलाइटर। आप देख सकते होंगे काशीज़ की जो ब्राइड हैं उनकी आईब्रोज़ का ये जो अपर पार्ट है ये शिमर लाइक ये हाईलाइटेड होता है, और जो मैंने आपको लुक दिखाया है उसमें आईब्रोज़ का ये पार्ट जो है हाईलाइटेड है। आप देख सकते होंगे कि मैंने भी वहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई किया है और आईब्रोज़ के अपर पार्ट को हाईलाइट किया है। सो यहाँ पर मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। अब मैं लास्ट स्टेप करूँगी लिपस्टिक का। लिपस्टिक के लिए मैंने ग्लैमरस फेस का ये लिप लाइनर लिया है। आई डोंट रिमेंबर द शेड नंबर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेड नंबर मेंशन कर दूंगी अगर कोई डिटेल रह जाएगी तो। सो यहाँ पर आउटलाइन करने के बाद मैं रिवाज की ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड आई थिंक 31 है। इस तरह से मैं टैप टैप करके ये लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक को मैंने मैच करने की पूरी कोशिश की है, आई होप कि मैच हो गई हो, और अगर नहीं भी मैच हुई तो काशीज़ अपनी ब्राइड को कुछ इसी तरह की लिपस्टिक्स जो हैं वो लगाते हैं। सो यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं ये एक ट्रांसपेरेंट बहुत ही लाइट सा पिंक ग्लॉस है लिपस्टिक के ऊपर, ये मैं ग्लॉस अप्लाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है और अब मैं आ गई हूँ एक ब्राइड काइंड ऑफ अ लुक में। सो इस तरह से मैंने हेयर स्टाइल को बनाने की कोशिश की है, बहुत क्विक मैंने ये हेयर स्टाइल बना लिया था। सो प्लीज़ जो आप हेयर स्टाइल को जज मत कीजिएगा, जस्ट लुक एट द मेकअप। और इस तरह से ये मैंने काशीज़ का लुक अचीव किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मैंने विद फ्लैश एंड विदाउट फ्लैश दोनों मेकअप का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर किया है।
सो वैसे बैंक्वेट्स वगैरह में लाइटिंग डिफरेंट होती है, तो हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग और बहुत ज़्यादा शाइनी लगता है, और जब हम घर की लाइट में मेकअप देखते हैं तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट लुक होता है. सो बेसिकली ये है मेरा कंप्लीट लुक. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.